हाय गाइस, वापस आ गए एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम करने वाले हैं माइक्रोफोन टेस्ट वन प्लस वन प्रो टू का। तो इसे हम अलग अलग सिनेरियोस में टेस्ट करके देखेंगे कि इसका माइक्रोफोन के साउंड क्वालिटी कैसे, उसके बाद हम बाकी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी हम बाइक चला रहे हैं बिना हेलमेट के, तो इस सिनेरियो में हवा डायरेक्टली माइक को हिट कर रहा है, तो उसके वजह से हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा हो, तो मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी। होपफुली आपको मेरी आवाज की वजह सुनाई देगी। तो ये जो आपको साउंड मिलेगा जब आप बाइक चला रहे हैं, हेलमेट पहन के पर वाइजर खुला रख के, इस सिनेरियो में ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा। होपफुली आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है। जब आप हेलमेट बंद कर देंगे तो हेलमेट के अंदर एक एको क्रिएट होता है, तो उसके वजह से कभी कभी आवाज में बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो होपफुली आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है और बैकग्राउंड साउंड ज्यादा ओवर पावरिंग नहीं है। तो ये है जो आपको साउंड मिलेगा जब आप बहुत सारे पानी के आसपास होंगे। तो अभी फिलहाल मैं सीजन मॉल के सामने खड़ा हूँ जहाँ 70 वाटर फाउंटेन है, तो होपफुली आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है और बैकग्राउंड का साउंड ज्यादा ओवर पावरिंग नहीं होगा। तो गाइस, तो अभी हम ट्रैफिक कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल मैं सीजन मॉल और एनमोरा मॉल के सामने चल रहा हूँ। तो यहाँ बहुत सारे ट्रैफिक का साउंड है, शाम का समय है, पीक आवर्स है, तो इसीलिए गाड़ियां तो लगातार आपको आते हुए दिखाई। तो होपफुली मेरी आवाज क्लियर है और बैकग्राउंड का साउंड ज्यादा ओवर पावरिंग नहीं है। तो ये जो आपको साउंड मिलेगा जब आप मॉल में होंगे, क्योंकि आर्केड वगैरह में, तो अभी फिलहाल आर्केड में हो, यहाँ पे बहुत सारा आवाज है, बहुत सारे लोग हैं। होपफुली आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है एंड बैकग्राउंड का साउंड ज्यादा ओवर पावरिंग नहीं है। ओके, तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया। तो बेसिकली ये 12,000 का ईयरफोन है जिसमें नॉइस कैंसलिंग है माइक के अंदर। आप वो नोटिस कर सकते हैं, जब मैं अलग अलग सिनेरियोस में इसको यूज कर रहा था तो नॉइस कैंसलेशन किक इन हो रहा था, पर जैसे ही बैकग्राउंड का साउंड ज्यादा हो, जैसे बैकग्राउंड में ज्यादा आवाज हो, तो मेरी आवाज अपने आप मफल हो जाती, कम हो जाती थी और वो बहुत ही फेंट सी थी। मेरे को अपने आवाज वो नेचुरल क्रिस्प साउंड नहीं आया। तो जितना मैं कम आवाज वाली जगह में हूँ वहां उतना ज्यादा मेरी आवाज ठीक थी, और जितना मैं शोर शराबे वाले एरिया में जा रहा हूँ, ये शोर शराबे को हटाने के चक्कर में मेरी आवाज को भी कम कर देता है। तो ये चीज मैंने नोटिस किया। अब 12,000 का ईयरफोन है, इसका पहला वाला 999 का था, 9,999 का था, तो मतलब ऑलमोस्ट 10,000, तो ये 2,000 एक्स्ट्रा है। 2,000 एक्स्ट्रा में आपको क्या मिल रहा है? तो माइक अगर मैं देखूं तो माइक एल्गोरिथम एक्चुअली इन्होंने चेंज किया है। इन्होंने कोशिश तो किया है कि यहाँ पे कॉलिंग में नॉइस कैंसिलेशन काम करे, पर अभी तक इनका वो एल्गोरिथम इतना सक्सेसफुल नहीं है, इतना अच्छा मेरे को लगा नहीं। मे बी आगे जाके नए अपडेट्स के साथ ये ठीक हो जाएगा, पर अभी फिलहाल, अभी ये 2-3 दिन पहले लॉन्च हुआ है, तो अभी फिलहाल इसका माइक एवरेज है। अब इसके स्पीकर के बारे में बात करें तो अब इन्होंने ये अपग्रेड किया है, तो पहला वाला बहुत ही लो एंड बेस इतना अच्छा था, मतलब जिम वगैरह में यूज करने के लिए बहुत ही मस्त था वो। पर ये जो नया वाला है, इसमें इन्होंने ये ईयरफोन बनाया है सबके लिए। तो यहाँ पे आप जो इसका इक्वलाइजर है वो अपने हिसाब से एक्चुअली फाइन ट्यून कर सकते हैं। पहले वाले में भी इक्वलाइजर था पर इतना डिफरेंस नहीं पता चलता था, मेनली बेस है या फिर बेस कम है, वो ही इक्वलाइजर था। यहाँ पे क्योंकि दो ड्राइवर है, एक बड़ा ड्राइवर है बेस के लिए, दूसरा छोटा ड्राइवर है जो वोकल्स और इसके हाइस के लिए है। तो इसमें अगर मैं गाने सुनता हूँ तो मुझे गानों के लिरिक्स बहुत ही क्रिस्प सुनाई देता है, आवाज बहुत ही क्लियर है, और अगर छन छन की आवाज वगैरह है वो एकदम क्रिस्प और क्लियर है। बेस मैं इसमें और फाइन ट्यून कर सकता हूँ, बेस भी बहुत सारा है, पर हाँ
बेस इतना नहीं है जितना पहले वाले वर्जन में था। पहले वाले में डीप एंड बेस था, एकदम बहुत ही अच्छे से आता था। यहाँ पे बेस बहुत नेचुरल साउंड करता है, तो जैसा गाने में होना चाहिए वैसा इसमें है। और उसमें आप थोड़ा सा और फाइन ट्यून कर सकते हैं, बेस के लेवल्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, इक्वलाइजर भी चेंज कर सकते हैं, और उसमें बेस के लिए भी अलग से एक ट्यूनिंग भी है। तो अगर आप एक ऐसा ईयरफोन देख रहे हैं जिसमें बैटरी लाइफ अच्छी हो, 6 घंटे चलता है, वो मैं रिव्यू में बताऊंगा, अभी ये सिर्फ माइक टेस्ट है, तो मैं एक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको। तो अगर आप कुछ ऐसा देख रहे हैं जिसमें स्पीकर की आपको मतलब साउंड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बैटरी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, और दो डिवाइसेस के साथ एक साथ कनेक्ट होनी चाहिए, तो फिर ये बहुत ही अच्छा है। पर अगर आप अभी फिलहाल कोई ऐसा डिवाइस देख रहे हैं जो 12,000 रुपये में मिल रहा हो, जिसमें माइक की साउंड क्वालिटी अच्छी हो, तो मैं इसको इतना अभी फिलहाल रेकमेंड नहीं करूंगा। बाकी आपकी मर्जी, आप ईयरफोन की आवाज सुन चुके हैं, सारी आवाज यहीं से आई है, इस माइक से आई है, तो अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं आपके लिए ये आवाज ठीक ठाक ही नहीं था, वो आप देख सकते हैं। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको सेम वीडियो इंग्लिश और मलयालम में देखना हो, मेरे पास दो और चैनल है, उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। बाय बाय।